हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली का, जैसा कि आपको पता होगा कि कल रात 9:30 बजे के आसपास एक सेकंड अपडेट MIUI 12.5 का रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए रिलीज़ किया गया था, जिसका वर्जन 12.5.2.0 था। और ये जो अपडेट था 125 MB का इसका साइज़ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत जो बग्स है उनको फिक्स किया गया और छोटे मोटे नए नए फीचर्स डाले गए। तो जो भी है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एंटेंतु बेंचमार्क स्कोर की हम बात करेंगे और सीपी थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं बता दूँ, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक टारगेट रहेगा 300 लाइक का, करा देते हो तो काफ़ी खुश हो जाऊंगा मैं भी, और आपको और भी आगे इस टाइप की वीडियोज़ देता रहूँगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखो बस, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आप चले जाओगे अबाउट में। यहाँ पर आप देख सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स के लिए अपडेट गया था। ये ओनली फॉर उन लोगों को अपडेट मिला है जो बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किए थे, उनको ये अपडेट मिला। और अभी तक आपको MIUI 12.5 का कोई अपडेट ही नहीं मिला है, तो भाई देखो, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको वेट करना, एक दो दिन में ये अपडेट आ जाएगा। और जो सबसे पहला MIUI 12.5 का अपडेट गया था वो सस्पेंड कर दिया गया, ये अपडेट अब रिलीज किया गया, क्योंकि इसके अंदर बग फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर वर्जन चेंज हो चुका है और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच तो चेंज किया ही नहीं गया है, तो भाई इस अपडेट में हुआ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके अंदर ना यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो भाई एंड्रॉइड 11 का, ये भी इसके अंदर वर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो इसके अंदर हुआ क्या था, पहले जब अपडेट आया था उसके बाद होता क्या था, अगर आप यहाँ से करोगे स्वाइप तो आपको तो ये तो देखने मिलेगा, और इधर से आप करोगे ये भी देखने मिलेगा, लेकिन होम स्क्रीन पर ये चीज वर्क नहीं कर रही थी। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे राइट से तो हो क्या रहा था, नोटिफिकेशन ही ओपन हो रहा था, और इधर से भी कर रहे थे लेफ्ट से नोटिफिकेशन तो यहाँ से ओपन होती, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस चीज को फिक्स किया गया। आप देख सकते हो आप होम स्क्रीन पर भी आप राइट से करोगे तो कंट्रोल सेंटर आ जाता है, और लेफ्ट से करोगे तो आपका भाई नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि काफी सही है। तो इस तरह के ये जो बग्स थे इसको पहले यहाँ पर फिक्स किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अंदर नया क्या ऐड किया गया है। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर नया तो मेरे को कुछ ज्यादा खास देखने को मिला नहीं, बस ये है कि भाई देखो परफॉर्मेंस जो काफी सही कर दी गई है। अब यहाँ पर हम एंटेंतु बेंचमार्क स्कोर की हम बात करते हैं, एक दो फीचर है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एंटेंतु बेंचमार्क स्कोर की हम बात करते हो, देख सकते हो यहाँ पर 3,30,000 के आसपास, 31,000 आप बोल सकते हो, 3,31,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको देखा तो इससे पिछला वाला, यानी कि जब MIUI 12.5 का अपडेट आया था तो उसका स्कोर क्या था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तो भाई पुराना वाला, ये देख सकते हो यहाँ पर 29, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2,00,000, यहाँ पर आप 96,000 आप इसको बोल सकते हो, ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये था MIUI 12.5 का जब लेटेस्ट अपडेट, यानी कि पहला अपडेट आया था, लेकिन अपडेट भाई होने के बाद ये जो नया अपडेट आया उसके बाद आप जैसे तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, 3,000-4,000 भाई बढ़ चुका है, जो कि काफ़ी सही है। पहले 2,00,000 के आसपास था, अब 3,00,000 हो चुका है, जो कि काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। इस तरह के आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहला चेंज हमें ये देखने को मिला। अब यहाँ पर हम बात करें कुछ और चीज़ की, तो देखोगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने पबजी भी इसमें ट्राई किया था, तो देखोगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारे इस डिवाइस के अंदर भाई अभी तक कोई भी ऐसा ऑप्शन ऐड नहीं किया है जिसकी मदद से आप 60 FPS को अनलॉक कर पाओ, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है या फिर ग्राफिक्स है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने पबजी को चालू कर लिया, और यहाँ पर 3 डॉट पर जाके मैं आपको ग्राफिक्स में दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद ग्राफिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी एक्सट्रीम का ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, अभी भी अल्ट्रा है, तो पता नहीं भाई यहाँ पर कभी एक्सट्रीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कोई मैं इमोट करता हूँ और यहाँ पर हमारे जो भाई ग्राफिक्स है, और यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखा दूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इधर की साइड आप देख सकते हो यहाँ पर 60 FPS आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 60 FPS दिखा भी नहीं रहा, बट मेरे जो डिवाइस के अंदर ये जो गेम चल रहा है 60 FPS में रन कर रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिस्क्रिप्शन में, मैंने 90 FPS भी इनेबल किया इस फोन के अंदर, और 60 FPS को भी इनेबल किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस अपडेट के बाद मैंने इस गेम को खेला, भाई काफी सही चल रहा है, कोई यहां पर दिक्कत यहां पर मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि यहां पर कोई दिक्कत आई है, तो ये हमें देखने को मिल जाती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं फीचर्स वगैरह की, तो देखो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं, एक दो दिन पहले इसके अंदर एक सिस्टम यहां पर सिस्टम लॉन्च होकर एक अपडेट आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहां पर तो कुछ शो नहीं कर रहा था। उस अपडेट के अंदर हुआ क्या था कि यहाँ पर आपको ऐप्स में आप जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा मैनेज होम शॉर्ट स्क्रीन, तो क्या कि आप इस पर टैप करके देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में कि अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन है आप इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी एप्लीकेशन दी गई है। मान के चलो आपको भाई यहाँ पर आपको कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्विस एंड फीडबैक एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते हो, वेदर एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ से एप्लीकेशन गायब हो चुके आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हो तो कहीं पर भी वेदर नहीं है, सर्विस एंड फीडबैक नहीं आपको देखने मिलता। अगर आपको ये दोबारा लाने हैं तो सिंपल आपको ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप में जाना है और सिंपल इनको भाई यहाँ पर इनेबल कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है एड सक्सेसफुली, तो देख सकते हो यहाँ पर ये ऐड भी हो जाएंगे। देख सकते हो अब यहाँ पर ये ऐड हो चुके, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लेकिन भाई मी यू 12.5 के अंदर इन्होंने बोला था कि अनइंस्टॉल ऐप्स का भी फीचर लाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनइंस्टॉल के अंदर तो अभी भी हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर हम बात करें अगले चेंजेस की, तो देख सकते हो मैंने होम स्क्रीन पे ये विजिट्स वगैरह लगा रखे हैं। देख सकते हो ये विजिट हो गया, ये विजिट्स हो गया, और मैंने कोई भी थीम यहाँ पर अप्लाई नहीं की हुई है। पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमारा थीम स्टोर कहाँ है, थीम स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लासिक वाला जो थीम है यही यूज़ कर रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर टिक लगा हुआ रहा है, इसका मतलब ये मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कैसे हो पा रहा है? देखो आपको किसी भी थीम का विजिट अच्छा लगता है, मान के चलो ये वाला यहाँ पर आईफोन वाला ही है, इसका विजिट मेरे को अच्छा लगता है, खाली मेरे को यही इनेबल करना है, तो होता क्या है कि हमें थीम को अप्लाई करना पड़ता है जब जाके ये इनेबल हो पाता है। लेकिन अब ऐसा है क्या है कि इस अपडेट के आने के बाद या फिर जब MIUI 12.5 आया था उसी के अंदर ये फीचर आ गया था। अब सिंपल आपको सारी जो भी थीम है वो डाउनलोड कर लेनी है, अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद सिंपल आपको पिंच करना है अपने डिस्प्ले पे और विजिट्स में चले जाना। विजिट्स में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा क्लॉक, यहाँ पर क्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पर आपके विजिट्स वगैरह आ चुके हैं, तो इनको सिंपल टैप करना और जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर आप इसको उठा के पटक सकते हो। तो यहाँ पर हम जाते हैं दोबारा और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस सिंपल इधर टैप करते हैं और इसको यहाँ पर मैं ला के छोड़ देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुका है, यानी कि अब ये वाला फीचर डाल देगा आपको थीम्स के जो विजिट्स है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बिना थीम को अप्लाई किए। तो ये चीज़ जो है ये भी मेरे को काफ़ी इसके अंदर बढ़िया देखने को मिल जाती है। और फीचर्स की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा हमारे डिवाइस के अंदर सुपर लाइव वॉलपेपर्स देखने को नहीं मिलते, बट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सुपर लाइव वॉलपेपर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों का MIUI 12.5 के अपडेट आने के बाद सुपर लाइव वॉलपेपर्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वर्क ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो मेरे डिवाइस के अंदर ये वर्किंग है बिल्कुल सही तरह से, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी वर्क कर रही है। और देख सकते हो ये लॉक स्क्रीन, उसको यहाँ पर टैप करता हूँ अनलॉक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सुपर वॉलपेपर्स का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी मैं लिटरली बता दूंगा इस अपडेट के अंदर मेरे को कुछ और नया देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई प्राइवेसी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। देख सकते हो भाई मेरे डिवाइस में चेंज नहीं हुआ, तो मैं आपको कैसे बताऊँ। काफ़ी सारे लोगों ने बोला भाई नया हो चुका है, अपडेट हो चुका है, बट मेरे डिवाइस में अपडेट नहीं हुआ, तो भाई सॉरी भाई मेरे को नहीं मिला। अब आपके डिवाइस में शायद आपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर लिया होगा जो कि चाइना का होता है, इस वजह से आपका चेंज हो रखा होगा, बट मेरे में यहाँ पर चेंज नहीं हो रखा। बाकी बैटरी वगैरह ओवरऑल जो है काफ़ी सही है, मेरे को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही। और बाकी जो भाई यहाँ पर ये है ना स्पीड वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दी गई है, कुछ भी ओपन करो बहुत ही फास्टली ओपन होता है। और यहाँ पर स्मूथनेस जो ना काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है जो कि मेरे को काफ़ी सही देखने में मिलती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो गाइस जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशन है, मान के चलो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो यूट्यूब में अगर आपका यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ यहाँ पर ये यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये आपको देखने में मिल जाता है। अगर यहाँ पर आपका ना 120 हर्ट्ज़ वर्क ना करता हो, देख सकते हो अभी यहाँ पर मेरे तो 120 हर्ट्ज़ वर्क कर रहा है लेकिन आपका वर्क नहीं कर रहा 120 हर्ट्ज़, आपको फील नहीं आ रही 120 हर्ट्ज़ वाली, तो सिंपल आपको करना क्या, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो सेटिंग में आपको जाना है, यहां पर ऐप्स में चले जाना है, मैनेज ऐप में आप जैसे जाओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस, इसमें जाने के बाद इसका क्लियर डेटा कर देना। उसके बाद होगा क्या कि जितनी भी एप्लीकेशन है आपके डिवाइस के अंदर वो ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज़ पे स्विच हो जाएंगे, अब 120 हर्ट्ज़ उनमें भी वर्क करेगा। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर 120 हर्ट्ज़ वर्क करने लग जाएगा, चाहे वो आपका प्ले यहां पर ये यूट्यूब हो, प्ले स्टोर हो या फिर आपका डायलर हो, क्योंकि डायलर में भी सपोर्ट नहीं करता 120 हर्ट्ज़ ना ही यूट्यूब में, बट अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर देते तो आपका 120 हर्ट्ज़ सारे ही एप्लीकेशन पर वर्क करने वाला है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने तो सिंपल आप अपने डिवाइस को एक बार रिबूट कर देना और आपका फिर दोबारा वैसे ही हो जाएगा, जहाँ जहाँ 120 वर्क करता है वहीं वर्क करेगा, अदरवाइज कहीं वर्क नहीं करेगा। ये था आज के इस वीडियो में, बाकी मेरे को कुछ और नया मिलता है तो मैं आगे बता दूंगा। बाकी आपको कुछ और नया मिला हो या फिर इस अपडेट के अंदर कुछ नया मिला हो तो आप मेरे को कमेंट सकते हो या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर बता सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये वाले फीचर आए हैं। बाकी मेरे को और कोई भी नया फीचर नहीं आया, बस एक दो बग्स थे, ये वाला बग्स था इसको फिक्स कर दिया गया और ये तो यहाँ पर हो चुका है। बाकी इसका मैं चार्जिंग टेस्ट भी लाऊंगा, हो सकता है चार्जिंग टेस्ट में फर्क हो, क्योंकि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर में पूरे 2-3 हज़ार का फर्क आया भाई, 100-200 का होता तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे भाई 2-3 हज़ार का, 4 हज़ार का आप बोल सकते हो भाई फर्क आया, तो भाई टेस्ट तो बनता है। बाकी ये था आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। ये अपडेट अभी तक आपको नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे इंस्टॉल करना, आप वो वीडियो देख के इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।